आज हम अपने इस लेक्चर में एनकेफेलाइटिस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एनकेफेलाइटिस ये आजकल न्यूज़ में आ रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में 52 बच्चों की मौत एनकेफेलाइटिस की वजह से सुनने में आ रही है। एनकेफेलाइटिस का मतलब क्या होता है? एनकेफेलाइटिस का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है एनकेफेलो, दूसरा पार्ट है आइटिस। एनकेफेलो का मतलब ब्रेन से है और आइटिस का मतलब इन्फेक्शन से होता है, मतलब वो इन्फेक्शन जो हमारे ब्रेन को ग्रसित करता है उसको हम कहते हैं एनकेफेलाइटिस। जब इन्फेक्शन हमारे ब्रेन में जाता है तो हमारे ब्रेन में एक सूजन आ जाती है और हमें नाना प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। एनकेफेलाइटिस आखिर में फैलता कैसे है? इसके फैलने की विधि इस प्रकार से है। पहला, ये आर्बो वायरस जाति का मच्छर होता है, क्योंकि हम यहाँ पर वायरल एनकेफेलाइटिस के बारे में बात कर रहे हैं। द आर्बो वायरस जो होता है वो पहले पशु या पक्षी जिनको ऐसी बीमारी है उनको जब उनके शरीर पे बैठता है तो उनके खून के साथ वो अपने शरीर में या अपने ग्रंथि में वो वायरस को संग्रहित कर लेता है। फिर वो वहाँ से उड़ता हुआ पशु पे बैठता है जिसे वो वायरस दे देता है। यह पशु मुख्यतः सुअर या पिग होता है। ये वायरस जब पिग के बॉडी में जाते हैं तो वहाँ पर ये वायरस अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। फिर दूसरा मच्छर आर्बो वायरस जब उस सुअर को काटता है तो वो अपने साथ वो वायरस ले लेता है। फिर वो मनुष्य के शरीर पे बैठकर काटता हुआ मनुष्य के ब्लड में सारे वायरस को फैला देता है। चूँकि मनुष्य के शरीर में जब वो वायरस फैलाता है तो मनुष्य उस वायरस को बाहर नहीं फैला सकता, इसीलिए वो मच्छर पक्षी को भी जब काटता है तो वो मच्छर अपने वायरस पक्षी के शरीर में देकर और उसकी संख्या को बढ़ाता है। इस प्रकार मनुष्य पे आकर तो कहानी ख़त्म हो जाती है, परंतु चूंकि वो पक्षियों को काटता है जिससे ये सिलसिला बढ़ता रहता है और ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। मनुष्य के शरीर पे जब मच्छर बैठते हैं और हम उस मच्छर को जब मार देते हैं तो वो मच्छर अपने सारे वायरस को अपने टेंटिकल से हमारे ब्लड वेसल्स में हमारे खून के साथ उस वायरस को भेज देता है, और ये खून जब हमारे शरीर में प्रवाहित होता है तो पूरे वायरस को अलग अलग ऑर्गन्स में अपना इफ़ेक्ट दिखाने लगता है। जैसा कि वायरस ब्रेन में जब जाता है तो इसकी वजह से बुखार आने लगता है जो कि हाई ग्रेड फीवर होता है। फीवर के अलावा सर में दर्द का होना, तेज रोशनियों को ना झेलना जिसे फोटोफोबिया कहते हैं, उल्टी होना, ये उल्टी जो होती है वो प्रोजेक्टाइल होती है, मतलब वो अपने जगह पे ना गिर के वो थोड़ी दूर गिरती है। प्रोजेक्टाइल का नेचर ये होता है कि वो ब्रेन से संबंधित है, इसीलिए ये प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हम लोग देखते हैं। इसके साथ गले में दर्द होना, खांसी होना, खराश होना, गर्दन में जकड़न सा आना जिसे स्टिफ नेक बोलते हैं, चक्कर आना, इसके अलावा पेट में दर्द होना, हाथ और पैर का कांपना और पूरे शरीर में एक कंपन या झटके जैसा आता है जिसे हम कन्वुल्शंस कहते हैं। अगर आप अपने बच्चों में, क्योंकि ये एनकेफेलाइटिस जो है मोस्टली यंग चिल्ड्रंस और एडल्ट्स को अफेक्ट करता है, तो यदि आप अपने बच्चों में इस प्रकार के कोई भी सिम्टम्स, बुखार का आना, सर दर्द होना, उल्टी होना अगर देखते हैं तो इमीडिएटली अपने बच्चों को अस्पताल या नज़दीक के PHC में लेकर जाएं ताकि उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। क्योंकि एनकेफेलाइटिस ऐसी बीमारी है कि इसका प्रोग्नोसिस
बहुत ही पुअर होता है। अगर समय पे उपचार ना मिला तो बच्चों की जान भी जा सकती है। इसीलिए बुखार आते हुए आप सबसे पहले तो ठंडी पट्टी करना शुरू कर दें और ठंडी पट्टी करते हुए अपने बच्चों को अस्पताल लेकर जाएं, ना कि किसी फार्मेसी से या लोकल क्वैक डॉक्टर से उसका उपचार कराएं। अगर आप सही समय पर अपने बच्चों को अस्पताल लेकर चले जाते हैं तो फिर आपके बच्चे सुरक्षित रूप से आप अपने बच्चों को अस्पताल से घर वापस लेकर आ सकते हैं। अब आती है बारी, एनकेफेलाइटिस होते कितने प्रकार के हैं। ये हमें चार प्रकार के देखने को मिलता है, जो कि वायरल, बैक्टीरियल, फंगल और प्रोटोजोअल होता है। वायरल में ये मोस्ट कॉमनली हर्पेस सिंप्लेक्स एनकेफेलाइटिस की वजह से होता है। अगर आपको याद होगा, जापानी एनकेफेलाइटिस गोरखपुर में पिछले साल इसी पैमाने पे फैला हुआ था। तो हर्पेस सिंप्लेक्स एनकेफेलाइटिस के अलावा जापानीज एनकेफेलाइटिस, वेस्ट नाइल एनकेफेलाइटिस, टिकबॉर्न एनकेफेलाइटिस भी होता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को चिकन पॉक्स है, मम्स है, मीजल्स है या रूबेला जैसी कुछ भी, जिसे हम चेचक कहते हैं या छोटी माता या बड़ी माता के नाम से हम जानते हैं, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो अपने घर में उपचार ना करें, अस्पताल लेकर जाएं, क्योंकि चिकन पॉक्स, मम्स, मीजल, रूबेला का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एनकेफेलाइटिस होता है। अब आती है बारी कि बचाव के तरीके क्या क्या होने चाहिए ताकि हमारे बच्चे या फिर जवान इस एनकेफेलाइटिस से ग्रसित ना हो सके। पहला बचाव का तरीका होता है वैक्सीनेशन, हमें टाइम पर टीका लगाना चाहिए। दूसरा बचाव का तरीका है अपने पूरे खुले अंगों को ढककर रखें, शाम हो पूरे अंगों को ढककर रखें तभी बाहर निकले, अदरवाइज ओडोमोस जाति या मॉस्किटो रेपेलेंट कुछ कोई भी क्रीम आप उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, ज़्यादातर खिड़कियां दरवाजे खुले रहते हैं, कोशिश करें कि खिड़की और दरवाजे पर मॉस्किटो नेट्स लगा लें या वो तार वाली जाली जो महीन वाली आती है उसे लगा लें ताकि मच्छर प्रवेश ना कर सकें। चौथा, हम टायर्स या टूटे हुए एयर कंडीशन, टूटे हुए कूलर्स हम ऐसे छत पे फेंक देते हैं, जिसमें अब बारिश का समय आ रहा है तो बारिश होने से ही उससे पानी एकत्रित होगा, पानी एकत्रित होने से ही मच्छर अपने अंडे या लार्वा उसमें उत्पन्न करेंगे। तो कोशिश करें कि अगर आपके छत पे कुछ भी ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर पड़े हुए हैं तो उसे या तो आप बेच दें या तो उसको इस प्रकार से सजा दें ताकि उसमें पानी ना एकत्रित हो सके। अगर आपके रास्ते में कहीं पर गड्ढे दिख रहे हैं या घर के बाहर गड्ढे दिख रहे हैं जहाँ पे मच्छर पानी एकत्रित होने से ही मच्छर अपने अंडे या लार्वा वहाँ पर दे सकता है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कंप्लेन करें, वो लोग आएंगे, मॉस्किटो रेपेलेंस या जो भी DDT वगैरह होती है या गैम्ब्यूसा फिश होती है जिसे वो डाल देंगे ताकि जैसे नालियां वगैरह है उसको ढक दें या जो भी गड्ढे में पानी भर रहा है उनको सफाई कर दें ताकि पूरा सोसाइटी इस एनकेफेलाइटिस से ग्रसित ना हो सके। सबसे मुख्यतः अभी इस समय अगर आप बिहार की तरफ में ट्रैवल करना जा रहे हैं तो फिर आप कुछ दिनों अपने प्रोग्राम को पोस्टपोन कर सके, बिकॉज नाउ इट्स बिकमिंग अ एंडेमिक एरिया। तो अगर आप विदाउट वैक्सीनेशन लेकर जाएंगे तो ये आपको भी ग्रसित कर सकती है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि ऐसा लगता है कि एनकेफेलाइटिस छुआछूत की बीमारी है, नहीं जी, एनकेफेलाइटिस छूने से कदापि नहीं होता है, बट वो वायरस, वो मच्छर जो उस वायरस को लिया हुआ है, अगर वो मच्छर, कोई भी मच्छर अगर संक्रमित व्यक्ति को अगर काटता है और उसके पश्चात वो अगर आपको काटता है तो आपको वायरस हो जाएगा, ना कि एनकेफेलाइटिस के बच्चों को छूने से आपको एनकेफेलाइटिस हो जाएगी। सबसे मुख्यतः बात, अगर आपको, जैसा मैंने पहले भी बोला, अगर आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो फिर आप इमीडिएटली हॉस्पिटल में लेकर जाएं, वहाँ पर डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर पैरामेडिक्स हैं जो कि आपके बच्चे के रक्त का जांच करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर सीटी स्कैन, MRI करेंगे ताकि आपके बच्चों को या कोई भी संक्रमित व्यक्ति को इस एनकेफेलाइटिस नाम की बीमारी से बचाया जा सके। धन्यवाद।